राहुल गांधी जी के बारे में तमामों झूठ परोसे गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस यात्रा को लेकर आज 9 सिलसिलेवार तरीके से झूठ का पर्दाफाश करने का वक्त है। पहला, आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है असरदार साबित हो रही है, और ये हम नहीं बल्कि ये हालात बता रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा असरदार साबित नहीं होती तो फिर राहुल गांधी के को बदनाम करने के लिए तमाम झूठ प्रचार और झूठ तंत्र का सहारा नहीं लिया जाता। कन्याकुमारी से जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू होती है और 24 दिसंबर जब दिल्ली पहुंचती है तो तमाम एक के बाद एक झूठ सामने आते हैं और हर एक झूठ का पर्दाफाश होता है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुकी हुई है, यानी 3 जनवरी से फिर से शुरू होगी। 24 दिसंबर में दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक जिन झूठों का सहारा लिया गया है वह झूठ हम आपके सामने रखने वाले हैं। और किस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ एक एक करके उन तमाम झूठों का पर्दाफाश करती हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तो तमाम यात्रियों के रुकने के लिए, जो इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके ठहरने के इंतजाम के लिए कुछ कंटेनर का इंतजाम किया गया था। उनकी तस्वीरें वायरल की गई और कहा गया कि ये अत्याधुनिक सुविधा से लेस कंटेनर है, यानी आपका जो 5-स्टार होटल है वो भी इनके सामने फीका पड़ जाएगा। ये झूठ फैलाया गया और कहा गया कि कितने आरामदायक ये जगह है और भारत जोड़ो यात्रा के सहारे वहां पर जो है मजे लिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। यानी सुप्रिया श्रीनाथ ने कुल मिलाकर अब तक के 9 ऐसे झूठों का पर्दाफाश किया है जिसमें राहुल गांधी और उनकी यात्रा को रोकने के कथित प्रयास किए गए हैं, बदनाम करने के कथित प्रयास किए गए हैं। एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कंटेनर का ये झूठ आप देखिए किस तरह सुप्रिया श्रीनाथ आपके सामने रख रही हैं। पहला झूठ था, बहुत बढ़िया 5-सितारा होटल जैसे कंटेनर है, बुनियादी सुविधा के कंटेनर है जहां पे 8 से 12 लोग रहते हैं, वीडियो पर वो कैद हो चुका है। दूसरा झूठ आपको याद होगा, जब स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर नहीं जाने का आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया था और कहा था कि उन्हें कैसे भूल गए, लेकिन तुरंत उसके बाद जो है कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और स्मृति ईरानी का मुंह बंद हो जाता है। दूसरा झूठ, स्मृति ईरानी ने बोला विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन नहीं किया था। विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन भी हुआ था और उनकी परिक्रमा भी हुई थी, वीडियो और तस्वीर दोनों सामने आई। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, मीडिया से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। फैक्ट क्या है ये आपकी स्क्रीन पर, कुल मिलाकर अब तक 8 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं राहुल गांधी। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक पिछले 8 सालों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी 8 बार मीडिया के सामने आकर मीडिया के सवालों का जवाब दे चुके हैं, ये फैक्ट देखिए। तीसरा झूठ, राहुल गांधी जी भाषण नहीं देते और प्रेस वार्ता नहीं करते। 8 प्रेस वार्ता अभी तक कर चुके हैं और भी करेंगे, तमाम वो भाषण देते हैं जिससे मोदी जी की नींद उड़ जाती है। ये अलग बात है कि मोदी जी ने 8.5 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी। इसके अलावा हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा है और घेरते चले आए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी को फिर से घेरने का प्रयास किया गया। आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी सिर्फ चर्च में गए लेकिन मंदिरों में नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी को लेकर यहां पर हम बता दें, अब तक यानी दिल्ली ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और कन्याकुमारी से चलकर जितने भी धर्म स्थल आए हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो या फिर गिरजाघर हो, तमाम धर्म स्थल अलग अलग धर्मों के सब पर राहुल गांधी एंट्री करते हुए आए हैं, दस्तक देते हुए आए हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपके सामने आई भी होंगी, जब वो मध्य प्रदेश के मंदिरों में दस्तक दे रहे थे, जब वो हमारे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहां पर वो दस्तक दे रहे थे, और उसके बाद जो ताजा तस्वीर आई है ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। जो ताजा तस्वीर आई दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह की, यहां पर आकर उन्होंने चादर पोशी की, निजामुद्दीन दरगाह में अपनी हाजिरी लगाई और अपनी यात्रा को कामयाब होने की दुआ मांगी।
अब उसके सामने आप देखिए कि किस तरह के झूठ ये फैलाए गए कि सिर्फ चर्च में गए, जिससे क्या है, जिससे ये कि हिंदुओं की जो भावना है उसके साथ खेला जाए और राहुल गांधी को जो है हिंदू विरोधी दिखाया जा सके, एकमात्र ये मतलब निकाला जा सकता है। बहरहाल इस झूठ का क्या सुप्रिया श्रीनाटे फैक्ट दिखा रही है ये आप देखिए। राहुल जी दक्षिण के मंदिर में नहीं गए, ये चौथा झूठ बोला गया। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, हर उस मंदिर, हर उस जगह राहुल गांधी जी गए जहां पर मनुष्य आस्था के रूप में जाते हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ना इस देश की संस्कृति समझती है, ना तमाम मठों और मंदिरों के बारे में जानती है। पांचवें झूठ में ये कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। सच्चाई क्या है, किस तरह से एडिटिंग की जाती है, ये सच्चाई भी आप देखिए। दूसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी जी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आईटी सेल नहीं, कांग्रेस जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया था, हमने इसके खिलाफ FIR भी कर। छठे झूठ में यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की आरती जो है उल्टी तरीके से उतारी गई, लेकिन जब पुरानी कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई गई तो वो भी इसी तरह से आरती उतारते हुए दिखे, जिसके बाद खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। छठा झूठ बोला गया, राहुल गांधी जी ने नर्मदा की आरती उल्टी करी। आरती बिल्कुल ठीक करी थी, ऐसे करी जाती है आरती क्योंकि कैमरे पर वो उल्टी नजर आती है। तो ट्रोल तब चुप हुए जब मोदी जी की आरती की तस्वीरें सामने आ गई और महामानव भी वैसे ही करते दिखे जैसे राहुल जी कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सातवां झूठ बोला गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की से राहुल गांधी मिले, जबकि जिस लड़की से राहुल गांधी मिले वो कोई और लड़की थी। राहुल गांधी जी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की से मिले, जी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की का नाम अमूल्या लियोना था। राहुल गांधी जी मीवा अंद्रोलिया से मिले, जो केरल में स्टूडेंट यूनियन लीडर है। आठवें झूठ में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं। और नवा झूठ बोला कि जितेंद्र भवर सिंह जो नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी के जूते बांधे, जबकि ये कई साक्ष्य सामने आ गए, ट्विटर की तस्वीरें भी सामने आ गई जिसमें ये गलत पाया गया है, ये भी आप देखिए। शराब पीकर भारत यात्री निकले, ये आठवां झूठ बोला गया। असलियत तो ये थी कि ये कोल्लम में चाय पीकर निकलते हुए लोगों का वीडियो और तस्वीरें थी, हमने GPS के माध्यम से दुकान का नाम भी शेयर कर दिया। जितेंद्र सिंह जी राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे थे, जी नहीं, वो अपने खुद के जूते के फीते बांध रहे थे, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है और ट्विटर ने भी इस खबर को झूठा साबित कर दिया। अब देख सकते हैं कि एक एक करके कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने सारे फैक्ट सामने रखे और कहा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है किस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जगह जगह पर झूठ फैलाया गया, लेकिन एक एक करके वो सारे झूठों का पर्दाफाश हो गया। अगर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा असरदार साबित नहीं होती तो फिर राहुल गांधी को रोकने के लिए इतने प्रयास क्यों किए जाते, ये बड़ा सवाल है। और साथ में सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ चर्च में जा रहे हैं, तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वो सभी धर्म स्थलों पर गए हैं। और यहां पर देखिए, धर्म स्थलों पर जाना एक अपनी आस्था को दर्शाता है, चाहे वो किसी भी राजनेता के लिए हो, लेकिन ऐसे वक्त में जब किसी खास धर्म से किनारा किया जा रहा हो, राहुल गांधी का जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी जिस तरह दिल्ली में पहुंचकर निजामुद्दीन दरगाह पर गए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप देखिए कि मुसलमान के नाम से किस तरह से आज के जो नेता है, राजनेता, ये सच्चाई है, आज के राजनेता जो है घबराते हुए अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी बिना इसके, बिना डरे, बिना ये सोचे कि उन्हें राजनीतिक लाभ है या नुकसान, सभी धर्म स्थलों पर जा रहे हैं, चाहे वो चर्च हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम सब धर्म को एक साथ लेकर भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। इस जो समाज में जो नफरत पिछले 8 सालों में फैली है, उस नफरत को मिटाने के लिए हम निकले हैं और मिटा कर रहेंगे, ये नारा है उनका। और इसी के चलते राहुल गांधी सभी जगह पहुंच रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और जो कांग्रेस के आरोप हैं
जो जिस तरह से वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी को रोकने के प्रयास और यात्रा को, इस यात्रा को बदनाम करने के किस तरह से प्रयास किए गए हैं, उनका सबका पर्दाफाश करते हुए सुप्रिया श्रीनाथ नजर आई आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या बदलाव होने वाला है? राहुल गांधी जिस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई वो अपनी जगह सही है? इससे समाज में बदलाव आएगा? जिस भाईचारे की, जिस भारत जुड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये एनालाइज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा कीजिए, और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो आप बिना खटक कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।